हेलो गाइस, मैं ओलिशा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यू न्यूज़ में। गाइस, दुनिया में वैसे तो अजीबोगरीब किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। कुछ इस तरह का एक मामला जर्मनी से सुनने में आया है, जहां एक 13 साल के बच्चे को 10वीं शताब्दी की एक ऐसी अनमोल चीज़ मिली है जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। वे एक पुराना सामान्य सा सिक्का समझकर उसे अपने घर ले आया और उसके बाद जांच में पता चला तो कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल इस 13 साल के बच्चे का नाम लूका है। खबर के अनुसार ये नादान बच्चा एक मामूली सा सिक्का समझकर 10वीं शताब्दी का एक ब्लूटूथ सिक्का ले आया। यह कोई मामूली सिक्का नहीं, बल्कि डेनमार्क के राजा हैराल्ड का सबसे बड़ा खजाना उसके हाथ लगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चला कि 10वीं शताब्दी का सिक्का है, तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके पीछे की कहानी। दरअसल लूका अपने गुरु रीना स्क्वैन के साथ खजाने की खोज में निकला हुआ था। लूका के गुरु रीने एक पुरातत्ववेत्ता हैं, जो कि लूका के साथ खजाना खोजते खोजते उत्तरी रेजिनन द्वीप के पर पहुंच गए। कहा जाता है यहाँ पर वे दोनों एक मेटल डिटेक्टर मशीन अपने साथ में लेकर आए थे, जिसकी मदद से उन्हें एक अमूल्य सिक्का मिला जो कि एल्यूमिनियम का है। शुरू में इन सिक्के को पाने के बाद लगा था कि वह सिर्फ फालतू की चीज है, लेकिन जैसे ही इसकी जांच की गई तो वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट, इन दोनों ने इस सिक्के को पाने के करीब 400 वर्ग मीटर की गहरी खुदाई की थी। कहा जाता है उस समय के दौरान सिक्के में ब्लूटूथ लगे हुए होते थे, परंतु 10वीं शताब्दी में सिक्कों में ब्लूटूथ पाना यह बात सभी की समझ से परे है। जब बाजार में इस सिक्के की कीमत आंकी गई तो इसकी कीमत आप की सोच से भी ज्यादा है।